अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे, ओमान के अंदर एक मस्जिद है, मोहम्मद अमीन मस्जिद के नाम से है। मस्जिद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी बनाई गई है, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। आपको आज उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि वो उसके अंदर पत्थर कौन सा यूज़ हुआ है, कितनी ज़्यादा बड़ी बनाई गई है और किसने वो बनाई है। तो ये खैर, वो आपके सामने ये मस्जिद आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद का व्यू कितना ही प्यारा है और कितनी ये ऊंचाई पर है। हम बाकी जो है पूरा टोटल वाइट पत्थर इसमें यूज़ किया गया है, कुछ ग्रे है। अगर स्टेयर्स को आप देखते हैं तो उसमें येलो पत्थर यूज़ किया गया है। खैर, पहले तो हम इस मस्जिद में पहुंचते हैं तो हम आपको इसके पार्किंग एरिया के बारे में ही बताएंगे कि बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है इसका। तो ये हमारे लेफ़्ट साइड पर मस्जिद आ चुकी है और इसकी हम अब पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, तो फिर आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये पार्किंग एरिया ही इसका इतना बड़ा है कि जितना मर्ज़ी इसमें रश लग जाए, पार्किंग ख़त्म नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की। मस्जिद को आप देख रहे हैं, बड़ी ही प्यारी है और इसका व्यू भी बड़ा प्यारा नज़र आता है बाहर से। तो ये टोटल पत्थर इन्होंने वाइट यूज़ किया है, पार्किंग काफ़ी ज़्यादा खुली बनाई है। हम इस मस्जिद में मगरिब के टाइम आए हैं, शाम का टाइम है ये। तो ये आप देख रहे हैं, इसका गुंबद भी बड़ा प्यारा बनाया गया है और बड़ी ही नफासत से इसको तैयार किया गया है। जिसने भी तैयार किया, जो भी कारीगर था, और वैसे भी इस मस्जिद को सुल्तान कबूस ने तैयार करवाया था। विद इन 2 ईयर्स आई थिंक इसको लगे थे तैयार करवाने में। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ इसमें। ये आप लोग इसका व्यू देख रहे हैं बाहर से, सामने बिल्डिंग्स और इतना प्यारा व्यू। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे ये मस्जिद बनाई गई है। तो अब हम इसके अंदर की तरफ जाते हैं और आपको इसका दिखाते हैं कि इतना नज़दीक नहीं है समुंदर, दूर है, लेकिन नज़र आ रहा है सारा व्यू इसका, इसकी पार्किंग का और इसका समुंदर का व्यू भी सारा सामने आपको नज़र आ रहा है। खैर, अब हम चलते हैं मस्जिद को दिखाते हैं आपको। पहले आपको बाहर से मस्जिद दिखाते हैं कि ये बाहर से कैसी, बाहर का फ्रंट इसका बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखें आप, ये पार्किंग एरिया आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है ऊपर से। अब हम इसके फ्रंट की बात करते हैं, तो ये अब हम इसके फ्रंट की तरफ जाते हैं। मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं, दिलदार भाई हम इनको कहते हैं, जो कि मेरे साथ ही इस मस्जिद को विज़िट करने के लिए आए हैं। और वो हम लोग एक दूसरे को व्यूज़ दिखा रहे हैं कि कितना प्यारा व्यू बना हुआ है। ये मेरे साथ मेरे दिलदार भाई आ चुके हैं, ये देखें। हम लोग अब जा रहे हैं अंदर की तरफ, तो आपको इसका पहले तो हम आपको इसका फ्रंट दिखाएंगे कि कितना ही खूबसूरत ये फ्रंट बना हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर भी है और बड़ी भी बनी हुई है। सेकंड साइड पे इसके 3 से 4 रास्ते इसको लगते हैं, जो कि स्टेयर्स भी बनी हुई हैं। जिस साइड से हम आए हैं, ये दूसरी साइड से भी हैं। बैक साइड पर लेडीज़ के लिए भी रास्ता है। ये फ्रंट आप लोग देख रहे हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा, इसके जो मीनार हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे बनाए गए हैं। ये मस्जिद है, वाइट पत्थर इन्होंने इसको भी लगाया है और बड़ी नफासत के साथ इसको मैनेज किया है। जब हम आ जाते हैं इसके वज़ू खाने में, ये वज़ू खाने में हम आए हैं इसके। ये देखें आप, एक साइड पे, राइट साइड पे आपका वज़ू खाना बना हुआ है और लेफ़्ट साइड पे जब आप जाएंगे तो इसके अंदर वाशरूम भी बना हुआ है। जब हम मस्जिद के अंदर आए हैं जी, देखें ये संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है टोटल इसको, और बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसको लगाया गया है और ऊपर से फिर इसकी सफाई भी रखी हुई है। अब हम इसके अंदर जाते हैं। सहन आपने इसका देख लिया है बाहर, तो ये अब हम इसके अंदर की जानब जाते हैं। इसके अंदर से आपको दिखाएंगे कि इन्होंने येलो लाइट, गुंबद को येलो लाइट से कवर किया हुआ है टोटल। ये इसके अंदर के व्यू हैं। ये संगमरमर का पत्थर नीचे लगा हुआ नज़र आ रहा है और अब आप इसको देखें, इसके गुंबद को येलो लाइटों से कवर किया और इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ये भी शाम का वक्त है, हम आपको रात का वक्त भी दिखाएंगे। बड़े ही प्यारे ये लगते हैं रात को, ये अगर आप किसी ऊंचाई से देखेंगे तो ब्लू नज़र आएंगे। इन्होंने हवा का अखराज बहुत अच्छा रखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसमें, और बड़ी सफाई इस मस्जिद की रखी गई है। मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है इसकी, अलाउ नहीं करते किसी को इधर आना, मतलब गैर मुस्लिम को। ये वो सिर्फ हॉलीडे में आ सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे विज़िटर आ सकते हैं और कोई दिन नहीं आ सकते वो। इसकी लाइब्रेरी भी फ्राइडे और सैटरडे को ही ओपन होती है सिर्फ,
क्योंकि जब विज़िटर आते हैं तो फिर उनको लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं। अब इसके अंदर हम चलते हैं, मस्जिद के काफ़ी बड़ा गेट बनाया है इन्होंने ये वाला, इसके अंदर चलते हैं। तो अंदर से ये आप एक व्यू देख लें, बाहर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये, इन्होंने गेट भी काफ़ी बड़ा लगाया है। अब इसके अंदर की तरफ आ जाते हैं हम लोग। इसके अंदर सबसे पहले चीज़ आपको ये दिखाता हूँ मैं, आप ये देखें साइड है इसकी, कैसे खिड़कियों से लकड़ी का काम किया हुआ है और शीशे लगाए हुए हैं। ठीक है, ये सारा लकड़ी का काम और मार्बल का काम से किया हुआ है, टोटल ही इन्होंने साइडें कवर की हुई हैं। और इन्होंने अपने एसी हिडन लगाए हुए हैं, एसी वैसे ओपन नहीं लगाए हुए। ये जो गुंबद बनाए हैं, गुंबद के नीचे फिर झूमर हैं लाइटों वाले, वाइट लाइटें, उससे इन्होंने कवर किया हुआ है। जैसे ही हम इसके नीचे कारपेट की तरफ आते हैं, तो आप कारपेट में देखिएगा कि कारपेट में कोई ज्वाइंट नहीं है, इन्होंने अंदर ही मशीन रखकर पूरा कारपेट को तैयार किया हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है इस कारपेट में, और बहुत ही क्लीन और बहुत ही नफासत के साथ उन्होंने बनाया है। ये देखें, कोई ज्वाइंट नहीं है इस कारपेट में, पूरा कारपेट जितना अंदर इसका रकबा है पूरे कारपेट का, कोई एक ज्वाइंट भी नहीं है इसमें। हम लेफ़्ट साइड पे चलते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी काफ़ी खुली जगह है इनकी, और रास्ता है आने जाने का, बाहर गेट दिया हुआ है। इस सिर्फ अंदर दाखिल होने के लिए इनके पास 6 गेट हैं। ठीक है, एक ये है, एक से हम अंदर है, एक उसके साथ था, एक बड़ा था, दो उसके साथ गेट थे। और ये देखें, हम आपको पूरा व्यू दिखा रहे हैं मस्जिद के अंदर वाली साइड का, जहाँ पे जमात होती है, नमाज पढ़ाई जाती है। ये गुंबद, इन्होंने 3 झूमर लगाए हैं, 3 गुंबद हैं और 3 ही इन्होंने झूमर लगाए हुए हैं और वाइट लाइट है। और ये झूमर आपको देखने में छोटा लग रहा है ये, लेकिन ये बहुत बड़ा है। यह ब्लैक आप लाइन देख रहे हैं पिलर के अंदर, ये इन्होंने एसी को कवर किया हुआ है, इसके अंदर एसी लगे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंडक इन्होंने अंदर की होती है, क्योंकि गर्म एरिया है और एसी बहुत ज़रूरी है इधर, तो इन्होंने उस हिसाब से एसी की एडजस्टमेंट की है ताकि नज़र भी ना आए और ठंडक भी पूरी मस्जिद में रहे। ये अब रात का व्यू है, ये देखें, अब हम आपको ये रात को दिखाते हैं कि ये बाहर से इसके सहन का व्यू है ये रात का। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, तो हम आपको बाहर से दिखाते हैं कि इन्होंने कैसे लाइटिंग की हुई है। ब्लू और येलो लाइट के साथ इस मस्जिद पर फोकस किया हुआ है, जिसकी रीज़न यही है कि अगर आप दूर से देखते हैं तो मस्जिद के गुंबद आपको ब्लू कलर के नज़र आते हैं। लोग वैसे भी इधर चहल पहल करने के लिए आ जाते हैं बाहर, तो आप देख रहे हैं वो एक हस्बैंड एंड वाइफ वॉक कर रहे हैं इस वीडियो में। तो ये देखें, आपको काफ़ी खुला एरिया है। जब इधर जुमे की नमाज़ होती है तो ज़ाहरी बात इधर तो खैर बहुत ज़्यादा रश होता है, जगह भी नहीं मिलती हमें भी। तो ये आप ऊपर से इसका व्यू देखें, बड़ी ही खूबसूरती के साथ इन्होंने बनाई है, ग्रीनरी की है, लाइटें लगाई हैं, पौधों के अंदर लाइटें लगाई हैं, ये वाइट उन्होंने लगाया है। ये हमारा मस्जिद का पूरा रात का व्यू है बाहर से। ठीक है, ये पार्किंग देखें आप, टोटल बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आता है मस्जिद के बाहर से, रात का भी और दिन का भी। आप इंशाल्लाह इधर लाजमी चक्कर लगाइएगा, बड़ी खूबसूरत बनी है और आपको बड़ा मज़ा आएगा इस व्यू को देखने के लिए। मस्जिद में और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो अब हम आप अख्ताम की तरफ चलते हैं वीडियो के। नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको इंशाल्लाह ओमान के बारे में, ओमान की मस्जिदों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।